अटूट संघर्ष नियुक्त। फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति की अनोखी पहल। वाराणसी में भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए नींबू पानी शरबत पन्ना व शीतल जल पियाऊ का उद्घाटन कर शहरवासियों के साथ साथ पर्यटकों में शरबत व शीतल जल का वितरण किया गया। ठेला व्यवसायी समिति के कोतवाली जॉन अध्यक्ष ने बताया कि जिस तरह वाराणसी में भास्कर देवता का प्रकोप बढ़ गया है, उसे देखते हुए शरबत व शीतल जल ही मानव समाज को राहत पहुंचा सकते हैं। फेरी ठेला व्यवसाय समिति के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में दूर दराज से आए पर्यटकों को राहत देने की कोशिश करते रहते हैं। शहर के कमिश्नर महोदय से अपील है कि मैदागिन से गदोलिया तक प्याऊ लगाने की कृपा करें, जिससे मानव समाज को राहत मिल सके, क्योंकि इस समय वाराणसी पर्यटन का केंद्र बन चुका है और यह भारी संख्या में श्रद्धालु व पर्यटक वाराणसी घूमने आ रहे हैं। ए बाबू एक तो गिलास लगाना है। मेरा नाम राजू शर्मा, फेरी पटरी ठेला व्यवसाय समिति कोतवाली जोन अध्यक्ष। आज हम लोग ने काशी भोलेनाथ की नगरी वाराणसी में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे यहाँ के सांसद है, उन्हीं के क्षेत्र वाराणसी में जो इसमें पर्यटक शहर बना हुआ है, ये भास्कर देवता की भीषण गर्मी में हम लोग पटरी ठेला के लोग मिलकर आज यहाँ पे निःशुल्क शीतल जल प्याऊ का उद्घाटन किए हैं और आम का पन्ना नींबू का शरबत हम लोग आज सब दर्शनार्थियों को बंटवा रहे हैं। और मेरा उद्देश्य ये दिखाना है कि आज जितने भी समाज सेवा है आज कहाँ पे है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ और वाराणसी के कमिश्नर साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि मैदागिन से लेकर गदौलिया तक प्याऊ का हर जगह व्यवस्था करे। मैं यही चाहता हूँ पटरी ठेला समाज के लोग।